पूजनीय अनंताचार्य महाराज जी, यहां पर उपस्थित सभी राम भक्त बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बेला है कि जब 22 तारीख को प्रत्यक्ष श्री राम लला उनके अपने स्थान पर अवतरण करने वाले हैं और उन्हीं के मूर्ति की प्रतिष्ठापना देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों से होने वाली है। और जैसा महाराज जी ने अभी बताया, एक नए भारत का निर्माण 22 जनवरी के बाद होगा, जिस भारत में राम राज्य की संकल्पना होगी और जिसमें अंतिम व्यक्ति को भी वही अधिकार होगा जो राजा को होगा। एक ऐसा राज्य जिसमें सभी को न्याय मिलेगा, करुणा ये संकल्पना होगी और सब लोग मिलकर विश्व के कल्याण की कामना करेंगे। मैं हमारे मारुति मंदिर के इस ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस अवसर पर ये राम कथा रखी। और जैसा हम जानते हैं कि राम कथा का श्रवण मात्र करने से हम लोगों को बहुत पुण्य मिलता है, बहुत सुकून की अनुभूति होती है और हमारा जीवन भी धन्य होता है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सभी को 22 तारीख के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और महाराज जी ने तो मुझे वृंदावन की पगड़ी पहनाई और अयोध्या की शाल उड़ाई। तो जहां राम भी हो और श्याम भी हो, वहां तो कोई और धाम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम।